जदों तो पंजाब हरियाणा चोणां दा ऐलान होया उदों तो ही जिथे लगातार अकाली दल नूं झटके ते झटके मिल रहे ने उत्थे ही अकाली दल दी तेज बुद्धि राजनीति भी देखण नूं मिल रही है। फिर चाहे वह हरियाणा चोणां होण जां सुखदेव सिंह ढींसा दा अस्तीफा होवे। जी हाँ, जिक्रे खास है कि बीते दिनी श्रोमणी अकाली दल तेज बुद्धि लीडरां चों इक मन्ने जांदे जिन्हां नूं अक्सर प्रकाश सिंह बादल दी सजीव वां कहा जांदा सी ते राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींसा अपनियां सियासी सेवावां तों मुक्त हो चुके ने। उन्हां ने अपने पद तों अस्तीफा दे दिता जिस तों बाद अकाली दल ने ढींसा साहब ते ही पलटवार कर दिता। जी हाँ, ढींसा दे अस्तीफे तों बाद अकाली दल ने एक चिट्ठी जारी की जिस च जानकारी सांझी की कि जून महीने च श्रोमणी अकाली दल ने राज सभा च अपना लीडर बदल दिता सी। दस दईए कि चिट्ठी अनुसार जून महीने च बलविंदर सिंह भुंदड़ नूं राज सभा दे श्रोमणी अकाली दल दे लीडर वजों नियुक्त किया गया सी ते नरेश गुजराल नूं डिप्टी लीडर वजों चार्ज दिता गया सी। देखो सुखदेव सिंह ढींसा ने अपने अस्तीफे तो बाद सेवा सिंह सेखवा टकसाली अकाली नाल पहली बैठक की। दसना बनता है कि सुखदेव सिंह ढींसा ने श्रोमणी अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप तो काफी समा पहला ही अस्तीफा दे दिता सी जिस तों बाद जिथे उन्होंने मीडिया तो दूरी बनाई उत्थे ही सियासत तो भी थोड़ा किनारा कर लिया। हालांकि सियासत तो दूरी बनाउण दा कारण उन्होंने अपनी सेहत का ठीक ना रहना जग जाहिर किया सी पर जे मीडिया रिपोर्टा की मनीए तो वह अकाली दल तो किसी कारण करके नाराज चल रहे सी जिसका ही नतीजा सी कि ढींसा साहब लोक सभा चोणां दे प्रचार च भी नजर नहीं आए सी। दूजे पासे अकाली दल दे वर्तेवे तो यह नजर आ रहा कि वह ढींसा साहब दे अस्तीफे तो कोई ज्यादा दुखी नहीं जिसका ही नतीजा है कि बादल साहब ने झट चिट्ठी जग जाहिर कर दिती। अजिहा ही तेज बुद्धि राजनीति बादल साहब की हरियाणा चोणां मामले च भी देखण नूं मिली सी जिथे मोदी सरकार ने अकाली लीडर नूं भाजपा च तैनात कर दिता सी तां बादल साहब ने झट बिंद च ही मोदी सरकार ते तिखे वार करदे उन्हां नाल रिश्ते खत्म कर दूजियां पार्टियां नाल सांझ पा लई सी। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।